नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स पेज पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज राजीव सर हमारे स्पोर्ट्स राइटर हमारे साथ है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका जिक्र बहुत कम हो रहा है कि वो किस तरीके से आउट हो रहा है और सबसे बड़ी परेशानी क्या है इस वक्त। जी हम बात करें रोहित शर्मा की। राजीव सर, रोहित शर्मा ने बहुत रन बनाए हैं, अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, गेंदें अच्छी खेल रहे हैं, लेकिन जब विकेटों की बारी आती है ना, जब बड़ा शतक बनाने की बारी आती है या उस पारी को जो संभाली हुई पारी है उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने की बारी आती है, तो वहां पर रोहित शर्मा आउट हो जा रहे हैं। लगभग आउट होने का तरीका एक जैसा ही उनका। बिल्कुल, और राहुल ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने रोहित शर्मा की रनबाजी को डिकोड कर दिया है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर 100 से ज्यादा बॉले आप ज्यादातर इनिंग्स में खेल रहे हैं और उसके बाद अचानक रैश शॉट खेल के आप आउट हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आपकी टेक्निक को जो आपके ओपोनेंट गेंदबाज हैं उन्होंने उसको डिकोड कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके टेम्परामेंट के साथ लगातार वो खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आउट होने का सिलसिला देखें राहुल, जिस तरह से रोहित आउट हुए, अगर आप उनकी बाउंसर्स पे जिस तरह से वो पुल मार रहे हैं या हुक मार के आउट हुए, अगर आप देखें आउट होने का जो एरिया है, यानी कि डीप फाइन लेग से लेकर डीप स्क्वायर लेग तक के एरिया में, या तो वो पुल शॉट मारते हुए आउट हुए या हुक शॉट मारते हुए आउट हुए, वो कंपल्सिव हुकर है। यह हर कोई जानता है कि अगर आप उनको शॉट पे पिच गेंदबाजी करेंगे तो आपके खिलाफ वो बड़े शॉट्स खेलने जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसी जगह है राहुल जहां पे आपको थोड़े से बचाना पड़ेगा, आपको गेंद छोड़ना आना चाहिए, क्योंकि आप देखें जो बॉले आउट हुए, या आप वुड की बॉल देख लें, इससे पहले रॉबिन्सन ने उनको आउट किया तब देख लें, ज्यादातर ऑफ स्टंप के बाहर उनके बॉडी से दूर थी और सर से ऊपर का बॉल है जो उन्होंने पुल या हुक मारने की कोशिश की। आइडियल क्या होता है कि आप अगर आप पुल मारने जा रहे हैं तो आपके चेस्ट पे बॉल हो, और जब आप हुक मारने जा रहे हैं तो आपके चेस्ट और हेड के बीच में होना चाहिए गेंद, तभी आपका अच्छा कनेक्ट होता है बॉल। तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम रोहित के साथ यही थी कि एक तो उनका जो बॉल सिलेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा बात जो मैं कह रहा हूँ, डिकोड करना, उनके टेम्परामेंट को डिकोड करने का काम किया इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने। बिल्कुल, जैसा कि राजीव सर आपको बता रहे हैं कि डिकोड किया है उनके जो टेम्परामेंट है उसको इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने, खासकर क्योंकि हम नॉटिंगम में भी देखा हमने कि बहुत अच्छी शुरुआत की, पहले लंच तक कोई विकेट नहीं गिरा, फिर उसके बाद एक शॉर्ट गेंद और फिर रोहित शर्मा पवेलियन में, कुछ ऐसा ही लॉर्ड्स में नजर आया कि अच्छी शुरुआत मिली, शतक की तरफ बढ़ रहे थे और फिर वही छोटी गेंद और उसको हुक मारने के चक्कर में फिर भी आउट, विकेट थ्रो कर गए। तो कहीं ना कहीं संभलना पड़ेगा, और एक अच्छी शुरुआत जो देते हैं टीम इंडिया को उसमें कम से कम एक ऐसे रन स्पीड से जोड़ने पड़ेंगे ताकि जो ये आउट होने का तरीका है कम से कम इसमें बदलाव आए, और एक जो इंग्लैंड के बॉलर सभी समझ गए ना कि रोहित को आप छोटी गेंद दीजिए। हालांकि रोहित भी बहुत बार बोल चुके हैं कि सबसे ज्यादा रन इसी शॉट से बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा शॉट तो वो खेलेंगे लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि शॉट सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको, किस गेंद के खिलाफ हुक लगाना है, किस पर पुल खेलना है, कौन सी गेंद को लीव करना है या कौन सी गेंद को डक करना है, तो वो कम से कम सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और राहुल अगर आप याद करें 1983 जब वेस्ट इंडीज दौरे पे गए मोहिंदर अमरनाथ, बहुत रन बनाए उन्होंने अपने हुक और पुल शॉट से, और उनको उस समय वर्ल्ड का बेस्ट फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट बैट्समैन माना गया था जिस टेक्निक के साथ वो खेलते थे। थोड़ा सा ओपन चेस्ट खड़े होते थे और ओपन चेस्ट होने की वजह से बॉल ज़्यादातर उनकी बॉडी पर मिलता था, यानी कि बहुत बॉडी के दूर से उनको खींचना नहीं पड़ता था। तो कंपल्सिव हुकर होने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप हर गेंद को हुक या पुल मारें, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप के बाद जब 83 वर्ल्ड कप जीत के आए, अगली सीरीज मोहिंदर अमरनाथ ने खेली तो डबल डिजिट भी नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि उनको बाउंसर मारी जा रही थी, स्क्वायर लेग और फाइन लेग लगा होता, तो ज्यादातर मौकों पे उन्होंने जो पुल या हुक शॉट खेले सीधे फील्डर के हाथ में गए, जो सिलसिला हम रोहित के साथ देख रहे हैं। और रोहित के साथ एक राहुल जो अगर आप मैच को बड़ा क्लोजली वॉच करें, जो बॉल उन्होंने मारी वो हल्का सा बॉल स्विंग हुई है, मतलब बाउंसर मारने में बॉल बाहर की तरफ जा रही है, आपकी तरफ नहीं आ रही। जब आपकी तरफ बॉडी की तरफ बॉल आती है आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप बॉल के लाइन में आ जाते हैं, जब भी आप मारने जाएंगे बॉल के लाइन में आएंगे देन आपके लिए इजी हो जाता है। यहाँ पे जो रोहित ने बॉल चुन पिक की है वो ऑफ स्टंप पे पड़ी है और बाहर की तरफ निकली है बॉलें, और ये इस तरह की गेंदों को आप पुल शॉट नहीं खेल सकते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आपके बॉडी पे देन आप इजीली आप उसको फाइन लेग या स्क्वायर लेग पे खेल सकते हैं, बट जब ऑफ स्टंप के बाहर है यहाँ से आप कोशिश करें, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर से मारने का, आप देखें हाँ ऑटोमेटिक ब्लॉक होता है और आप टाइम नहीं कर सकते, आपको कभी एज लगेगा कभी आपके टो पे लग जाएगा, और यही प्रॉब्लम हो रही है। रोहित बहुत शानदार बैट्समैन है, खासतौर से उन ट्रैक्स पे जहाँ पे बॉल इवन आता है, ऑस्ट्रेलिया में आप इस तरह के शॉट्स खेल के ढेरों रन बना सकते हैं, भारतीय पिचेस पे आप बना सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में जहाँ पे थोड़ा बॉल हिलता है, अगर आपने देखा हो राहुल तो विकेट कीपर के पास जाके कभी कभी मूव कर जा रहा है, तो ये बड़ी परेशानी है कि एक्चुअल बॉल सिलेक्शन आपका कैसा होना चाहिए। रोहित बहुत बड़े बैट्समैन है, हम लोग बहुत ज्यादा उनको बता नहीं सकते, बट जो कुछ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो जरूर अपने व्यूअर्स को बताएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे कि राजीव सर कह रहे हैं कि बहुत बड़े बैट्समैन है, बहुत ज्यादा
रोहित शर्मा के बारे में बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट उनमें है। और जैसा कि सचिन तेंदुलकर ने अभी एक दिन पहले बयान में कहा कि इस वक्त रोहित शर्मा अपने बेस्ट जो टाइम ऑफ पीरियड है बैटिंग का उसके अंदर वो है, क्योंकि इंग्लैंड में शुरुआती ओवर्स को निकालना और शुरुआती गेंदों को लीव करना, खेल जाना, टीम को एक अच्छी शुरुआत देना, वो कहीं ना कहीं काम रोहित शर्मा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा शतक बना सकते हैं, हम लोग बात करें कि एक बड़ा शतक बनाए, दोहरा शतक बनाए, एक जो शुरुआत मिलती है ना उसको एक अच्छे टोटल में कन्वर्ट करें, उसके लिए जो शॉर्ट सिलेक्शन है वो जरूरी है। बिल्कुल, और राहुल ने बहुत बड़े बैट्समैन का नाम ले लिया, और इसी बैट्समैन से एक एग्जांपल याद आ गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जब सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया तो उन्होंने कवर ड्राइव नहीं खेला था पूरे दोहरे शतक में, यानी 200 रन बना दिए, उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला। यानी कि आपको अपने कुछ शॉट्स जो आपके फेवरेट शॉट है लेकिन आपको लग रहा है कुछ गलतियां हो रही जिसकी वजह से आप आउट हो रहे हैं, आपको वो शॉट्स अपने जेब में रखने पड़ेंगे, आप किट बैग में रख के आ जाए तो और अच्छा है। रोहित शर्मा को भी यही करना पड़ेगा कि पुल और हुक थोड़े दिन के लिए रोक दें, क्योंकि थोड़ी मेहनत करने के बाद राहुल अगर आप 100 गेंदें खेल ले रहे हैं, 150 गेंदें खेल रहे हैं और फिर अचानक आप आउट हो जाते हैं तो वो सारी मेहनत आपकी खराब हो जाती है। और ओपनर्स के बाद तो बहुत ब्राइट चांस है, और हम सबने देखा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहले ही नहीं याद कर ले, जब बहुत शानदार शुरुआत दी थी रोहित और शुभमन गिल ने, फिर पहले दो टेस्ट मैचेस के राहुल और रोहित शर्मा ने जिस तरह की शुरुआत दी, यानी अच्छी शुरुआत को कैपिटलाइज करने का काम हमारे ओपनर्स नहीं कर पा रहे। और जिस दिन ये ओपनर्स चलेंगे और बड़ा स्कोर रोहित शर्मा बना देंगे, मुझे लग रहा है इंग्लैंड फिर कहीं मैच में टिकेगा, ऑलरेडी बड़ी कमजोर लग रही है। हम आज स्टेटमेंट भी देख रहे थे यान चैपल और सारे लोगों का, सब लोगों ने कहा कि भारतीय बैटिंग लाइनअप के सामने इंग्लैंड की टीम बहुत कमजोर लग रही है। अब ये इस मजबूती को और चार चांद लगा सकते हैं आप, कुछ अच्छे कुछ जो बड़े शॉट्स हैं उनको आप किट बैग में रख दें। और सर इसी तरह की हम बात करें रोहित शर्मा की, तो कुछ और बल्लेबाज है जो इसी तरीके से आउट हो रहे हैं जिसमें ऋषभ पंत का भी एक नाम है, कि वो जब डिफेंस करने जाते हैं ना तो वो कहते हैं ना कि डिफेंस में एज लग जा रहा है उनका, जैसा कि हमने देखा कि पांचवें दिन लॉर्ड्स में जब जरूरत थी विकेट पर टिकने की तो डिफेंस करने गए और एज देकर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। देखिए राहुल ने बड़ा अच्छी बात बोली कि टीम इंडिया में ज्यादातर बैट्समैन और जो खासतौर पर प्योर बैट्समैन है उनका पैटर्न एक जैसा आउट होने का, कभी पैटर्न एक जैसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार बोल्ड हो जाए, एलबी हो जाए, समझ आता है। जब पैटर्न दिखने लगे किसी बैट्समैन का एक तरीके से आउट होने का, इसका मतलब आपकी बैटिंग को डिकोड कर दिया है, यानी आपको लगातार उसी जगह पे गेंदबाजी की जा रही है। विराट कोहली एक और एग्जांपल है, आप देखें ऑफ स्टंप के बाहर से एज लग रहे हैं, पांचवें स्टंप छठे स्टंप से, और राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऋषभ पंत एक और कड़ी है। अगर आप देखें जब भी आप स्विंग खेलने जाते हैं बॉडी के पास अगर आपका बैट है देन ओके, जब आप बॉल के पीछे जाने लगे, यानी बॉल आपका स्विंग कर रहा है बैट आप बॉल के साथ साथ ले जा रहे हैं, अगर आप वहीं रोकेंगे आप अपना स्टंप सेव कर रहे हैं। अगर बॉल स्विंग भी होता है तो आपको बीट करेगा, लेकिन जब आप बॉल के साथ साथ बैट भी अपना ले जाएंगे देन प्रॉब्लम है। ये बात विराट के साथ भी हो रही है, राजकुमार जी ने ये बात बताई, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, राजकुमार जी से डिस्कशन में जो उनके कोच हैं उन्होंने बताया। ऋषभ पंत मैंने ऑब्जर्व किया बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, मैं भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था, कि आपकी आदत नहीं होनी चाहिए कि आपके बॉडी से आगे चला जाए बैट, और ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप देखें चार इनिंग्स जो खेली है भारतीय टीम ने, तीन बार ऋषभ पंत विकेट के पीछे पकड़े गए, यानी उनका भी पैटर्न जो है वो एक जैसा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब आपकी बल्लेबाजी को ओपोनेंट टीम डिकोड करने लगे, एक जैसी लेंथ में आप आउट हो रहे हैं, एक जैसी लाइन की बॉल पे आउट हो रहे हैं, देन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मुझे लग रहा है ये जो राहुल 8 दिन का गैप है, टीम मैनेजमेंट, बैटिंग कोच रवि शास्त्री निश्चित रूप से रोहित शर्मा से भी बात करेंगे, ऋषभ पंत से भी बात करेंगे और विराट कोहली से भी बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का राजीव सर ने पूरा विश्लेषण दिया और पूरा हम लोगों ने आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की कि रोहित शर्मा अच्छे टच में, अच्छी लय में, बड़ा स्कोर बनाने की जरूरत है ताकि इंग्लैंड जो वापसी कर लेता है ना थोड़ी बहुत, वो करने का उनको मौका ना मिले। और ज्यादातर बल्लेबाज अगर एक ही तरीके से आउट होंगे तो ये टीम इंडिया के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है आने वाले टेस्ट मैचों के लिए। और जो अभी 8-9 दिन का गैप बचा है ना, उसमें जैसे कि राजीव सर कह रहे हैं कि बैटिंग जो कोच हैं वो और उनके साथ साथ जो खुद बल्लेबाज हैं वो अपने आप की वीडियो देखेंगे किस तरीके से वो एक तरीके से आउट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुधार करें तो हो सकता है कि तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को एक बड़े मार्जिन से यहाँ पे भारतीय टीम हराती हुई नजर आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, आप लगातार इंडियन न्यूज़ के पेज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए।